जनपद हापुड़ के थाना धुलाना पुलिस ने 2 दिन पहले 2 महिलाओं से नोटों से भरा थैला लूटकर भागने वाले 3 लुटेरों को धर दबोचा। पुलिस ने महिलाओं से लूटे गए 60,000 रुपये, 3 तमंचे, 3 कारतूस और लूट में इस्तेमाल बाइक बरामद की है। पुलिस अधीक्षक ने लुटेरों को पकड़ने वाले पुलिस दल को 10,000 रुपये का इनाम देने की घोषणा की है। पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर ने शुक्रवार को हापुड़ में पत्रकारों को बताया कि 22 फरवरी को गांव छज्जूपुर की 2 महिलाएं सिरोदन बैंक से 60,000 रुपये निकालकर ई रिक्शा से बैठकर छज्जूपुर जा रही थीं कि बैंक के बाहर खड़े बदमाशों ने रेकी कर अपने साथियों को सूचना दे दी और कुछ दूर जाने के बाद एक बदमाश ई रिक्शा में सवार हो गया और 2 बदमाश बाइक पर ई रिक्शा का पीछा करते रहे। मौका लगते ही बदमाश नोटों का थैला झपट कर फरार हो गए। 2 दिन पहले एक लूट की घटना हुई थी जिसमें 2 महिलाएं ई रिक्शा से जा रही थी और उनके जो बैग था उनके पास पर्स, उसमें 60,000 रुपये थे, वो छीन के 2 बदमाश भाग गए थे। इसमें धुलाना पुलिस टीम के द्वारा 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक जावेद है, नवेद है और सरताज है। जो जावेद और नवेद हैं ये गुलावटी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और जो सरताज हैं ये धुलाना के ही सालेपुर कोटला के रहने वाले हैं। जो घटना की रेकी की थी ये सरताज के द्वारा की गई थी। इसने आइडेंटिफाई किया कि ये महिलाएं बैंक से पैसा निकाल के लाती हैं और इसी ने प्लान बनाया कि इनके साथ लूट की घटना कारित की जाए। उसमें जो नवेद नाम का व्यक्ति है वो उनके साथ ई रिक्शा में बैठ गया था और उसी ने महिलाओं से बैग छीना था। उसके बाद जो जावेद पीछे बाइक पर था उसके साथ ये बैग छीन के भाग गए थे। इनसे जो बरामदगी हुई है, क्योंकि 60,000 रुपये की इसमें लूट हुई थी, उसमें 100% पुलिस के द्वारा बरामदगी की गई है। जो मोटरसाइकिल इसमें स्प्लेंडर यूज़ हुई थी वो भी पुलिस के द्वारा बरामद की गई है। इसके अलावा इनसे 3 तमंचे और 3 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। इनका जो आपराधिक इतिहास है वो हम चेक करवा रहे हैं कि इन्होंने और किन जनपदों में या अन्य थाना क्षेत्रों में घटना ये कारित की है इनके द्वारा। धुलाना पुलिस ने गश्त के दौरान सपनावत नहर पुल से बाइक सवार 3 लुटेरों को दबोच लिया। पकड़े गए लुटेरों के कब्जे से पुलिस ने महिलाओं से लूटे गए 60,000 रुपये, लूट में इस्तेमाल बाइक, 3 तमंचे और 3 कारतूस बरामद किए हैं। पकड़े गए बदमाशों की पहचान गुलावटी के जावेद और नवेद और साथ ही सालेपुर कोटला के सरताज के रूप में की गई है। पूछताछ के दौरान पकड़े गए आरोपी जावेद ने पुलिस को बताया कि वो अपने साथियों के साथ सिरोधन बैंक के पास खड़े होकर बैंक में आने जाने वाले लोगों को देख रहे थे, तभी 2 महिलाएं एक थैला लेकर ई रिक्शा में सिरोधन बैंक से गांव छज्जूपुर के जाने के लिए बैठी। सिरोधन बाईपास से करीब 200 मीटर पहले एक साथी नवेद उर्फ नवील उस ई रिक्शा में महिलाओं के साथ बैठ गया, रुपयों से भरा बैग महिलाओं से छीन लिया। जावेद और सरताज सिरोधन बैंक से ही बाइक पर ई रिक्शा का पीछा कर रहे थे। दोनों ने नवेद उर्फ नवील के साथ मिलकर दोनों महिलाओं को धक्का देकर मोटरसाइकिल पर नवेद को बैठा लिया और रुपयों से भरा बैग छीनने के बाद गुलावटी की ओर भाग खड़े हुए। तीनों घटना को अंजाम देने के बाद गुलावटी से होते हुए बुलंदशहर की ओर रवाना हो गए और महिलाओं से छीने बैग से मिले 60,000 रुपये में से 20,000 रुपये आपस में बांट लिए। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।